अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने इसके ना पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह ये आज धुंध है और दिसंबर का महीना है, ये दिसंबर की 21 तारीख है, 2022 है, तो ये कितना पानी गर्म करेगा जब धुंध होगी। धुंध में कभी सूरज निकलेगा, कभी धुंध आ जाएगी, क्योंकि जो दोस्त लेना चाहते हैं वो यही सवाल करते हैं कि धुंध में भी ये पानी गर्म करता है कि नहीं। तो आज मैंने आपको सिर्फ यही दिखाना है कि धुंध में कितना पानी गर्म करेगा। अभी सुबह के तकरीबन 8 बजने वाले हैं, 2 मिनट रह गए 8 बजने में, 7 इसका टाइम चल रहा है। तो सारा दिन वक्फे वक्फे से आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा वो पानी कितना गर्म हो रहा है। अभी इसका टैंक भी तकरीबन खाली होने वाला है, जो सारी रात यूज़ किया है वो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो दोबारा से ताज़ा मोटर का पानी इसमें भरेंगे और उसके बाद इन और आउट दोनों पानी को बंद कर दिया जाएगा और इसके राड़ को मैं जाकर साफ़ कर लूँगा। अभी तो खैर साफ़ है, बाकी मज़ीद और साफ़ कर लूँगा, क्योंकि वो गर्द वगैरह होगी तो थोड़े से ना वो अंदर से पानी कम गर्म होगा। तो उसके बाद इनका सारे दिन का रिजल्ट देखते हैं पानी कितना गर्म हो। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो मैंने इसी तरह की वीडियो बनानी है जो मैंने इन पर तजर्बा किया है, जो मैंने यूज़ किया है। मैंने जितना भी सोलर लगाया है ना, तो उसका उसी वक्त मैंने नहीं बनाया, अभी 1 साल या 6 माह यूज़ करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है मैंने आपको बताना है और हकीकत में बताना है। इसमें कोई भी झूठ या इस तरह की मैं फ्रेब की बात नहीं होगी। तो चले चलते हैं, इसका टैंक को फुल करते हैं, उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह इसको ऑन करते हैं और वक्फे वक्फे से देखते हैं सारा दिन में पानी कहाँ पर टेम्परेचर जाता है। अभी तो 24 है, बिल्कुल ठंडा पानी, इतना गर्म नहीं है। तो ये 3 बजे तक कितना पानी गर्म हो जाएगा और इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाऊँगा कल, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसका जो राड लगा हुआ है, इसमें ये राड इसमें लगा हुआ है, यहाँ से बिजली ऑन हो जाती है। तो टैंक फुल होगा तो राड ऑन हो सकता, अभी ऑन नहीं ऑन हो रहा। वो राड से यानी कि वावड़ा से या सोलर से, सोलर यूपी से कितना पानी गर्म होगा इसके बाद वो वीडियो बनाऊँगा। चलो चलते हैं, टैंक को फुल करते हैं और राड़ों को साफ़ करते हैं। तो जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ वाशरूम में, यहाँ से करता हूँ इसका पानी मैं इन जो है ऑन करता हूँ। तो अभी ये टैंक थोड़ी देर में फुल हो जाएगा, उसके बाद इसको ऑफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये मैंने लगाने का मकसद यही है कि रात को इसको ऑफ़ कर दिया जाता है, तो दिन को ऑन कर दिया जाता है, रात को ऑफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि रात को जो पानी इस्तेमाल होता है वज़ू के लिए या किसी काम के लिए भी, तो बाद में ठंडा पानी जाता है तो वो जो गर्म पानी है वो फ़ौरन ठंडा हो जाता है। तो इसलिए इसको शाम को बंद किया जाता है, सुबह को ऑन किया जाता है। अगर मोटर सेटअप भी मैं लगाऊं तो मोटर में भी पहले बहुत ठंडा पानी आएगा, उसके बाद वो टैंक में जाएगा तो वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। पहले इस पानी को मैं निकालता हूँ जो इस पैंप के अंदर होता है, इस पैंप के अंदर जो पानी होता है उसको निकाला जाता है, उसके बाद इसको जो मोटर का ताज़ा पानी उससे टैंक को भरा जाता है, इससे ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो अभी चलते हैं छत पर, साफ़ करते हैं राड़ों को, उसके बाद दोबारा डॉइस पर जाते हैं। तो जी जनाब, छत पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारा ये सोलर वाटर गीज़र लगा हुआ है। इसका जो टैंक है 200 लीटर का है और जो ये राड लगे हैं, ट्यूब लगी हैं, ये 20 ट्यूबें हैं, 20 ट्यूबें इसमें लगी हुई हैं। तो अभी इसकी सफाई करते हैं, थोड़ा सा जो ये गर्दा आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसको साफ़ करते हैं ताकि अपना सूरज से ज़्यादा इस पर रोशनी पड़े और पानी को ज़्यादा गर्म करे। आज इसका जो पानी वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इसको फुल करना है। फुल करने के बाद इसको सारा दिन यही दिखाना है कि इसका पानी कितना गर्म हो सकता है इस मौसम में। आज को आपका मौसम दिखा दूँ, धुंध बहुत ज़्यादा है, जो नज़र हद है तकरीबन है अपना कोई 20 से 30 फुट होगी। तो ये आपके सामने मौसम है, तो इधर देखो, इधर बिल्कुल बहुत ज़्यादा धुंध है, सूरज पता नहीं निकलता कि निकलता आज, लेकिन इसमें आपको पता चल जाए कि पानी गर्म करता है कि नहीं करता। तो चलो सफाई कर लेते हैं, उसके बाद नीचे डिवाइस के पास चलते हैं और 3 से 4 बजे तक देखते हैं कितना पानी गर्म करता है। अभी इसमें पानी आ रहा है, इसका जो टैंक है वो फुल हो रहा है और 10 मिनट तक इसका टैंक फुल हो जाएगा, इसके पानी को बंद कर दिया जाएगा। तो करते हैं सफाई इसकी। जी जनाब, तो बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर दी गई है इसकी, बिल्कुल इसके राड साफ़ और बिल्कुल क्लीन कर दिए गए हैं। तो बड़ी मेहनत की है इस पर, बड़ी सर्दी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। तो इसी तरह की वीडियो इंशाल्लाह आपके पास आती रहेंगी। तो अब नीचे रह गया काम, नीचे चलते हैं एडवाइस के पास और वहाँ पर सारा दिन का रिजल्ट देखते हैं कि शाम तक कितना पानी गर्म करेगा। जनाब, टैंक हो गया हमारा फुल और 23 डिग्री पर इस टाइम हमारा टेम्परेचर खड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं कि ये टाइम हो गया 8:39 हो गए हैं सुबह के,
तो अब देखते हैं कि सारा दिन में कितना पानी गर्म होता है। चलते हैं, पानी बंद करते हैं इसका ऑन ऑफ जो है ना, इनको बंद कर देते हैं और ऑफ को बंद कर देते हैं। तो देखते हैं सूरज की धुंध में, सूरज से ये पानी कितना गर्म होता है। इन पानी को पहले ऑफ करते हैं, तो ये इन पानी इसका बिल्कुल मुकम्मल बंद हो गया। तो इधर से इसका जो आउट पानी है उसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी बंद हो गया, सॉरी इधर बंद हो गया, ये यहाँ पर ये भी बंद हो गया, और इसके ठंडे पानी को कर देते हैं ऑन। चलो चलो, अब 2 घंटे बाद देखते हैं, 10 बजे के लगभग, 10:30 बजे के लगभग देखते हैं कि ये टेम्परेचर कहाँ पर जाता है। बिल्कुल बाहर धुंध है और सूरज जो है ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, धुंध बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये 23-24 का टेम्परेचर हो रहा है, तो 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा ये देखते हैं। धुंध का नज़ारा देखते हैं किस टाइम कितनी धुंध है बाहर है। जो जनाब धुंध तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी सूरज नज़र नहीं आ रहा, और मेरा ख्याल नज़र हद तकरीबन को 30 से 40 फुट तक है। और बाहर रोड पर देखते हैं गाड़ियों की भी लाइटें ऑन है, इतनी ज़्यादा धुंध है आज। गाड़ियों की भी लाइटें ऑन है रोड पर, इतनी ज़्यादा धुंध है। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा धुंध आज तो है। तो चलते हैं ड्राइव के पास, देखते हैं कमरे में भी इस टाइम टेम्परेचर कहाँ पर पहुँच गया। घर के अंदर भी इतनी धुंध है कि नज़र नहीं आ रहा, कमरा कमरे तक भी नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो आ गया डिवाइस के पास, और अभी टाइम जो है ना वो 12:30 को हो गया था। मैं अपना कोई इमरजेंसी काम पर चला गया था, तो अभी वापस आया हूँ। तो मैंने डिवाइस चेक की है, तो ये टेम्परेचर अभी 30 पर गया है, यानी कि तकरीबन 4 घंटे हो गए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 6% इसकी, 6% पर पानी गर्म हुआ है। यानी कि पहले ये 24 था, 23 था जब हमने वीडियो शुरू की थी 8:30 बजे, और अभी ये 30 पर गया है। तो अब देखते हैं 2 बजे, 2 बजे कितना पानी गर्म होता है। ये 200 लीटर सुबह का इसमें टैंक में है पानी, ना ये यूज़ किया है, ना इसमें पानी और इन हुआ है, ना ही आउट हुआ है। यानी कि वो सुबह वाला ही पानी है जो अभी तक सिर्फ 6 डिग्री पर ही ज़्यादा गर्म हुआ है। तो अब देखते हैं 2 बजे ये कहाँ पर जाता है। दिन के 2 बज चुके हैं और अब काफ़ी धुंध है अभी बाहर, और अभी तक भी टेम्परेचर इसका 30 पर रुका हुआ है, यानी कि 1% भी ऊपर इससे नहीं गया, 24 से 30 पर आया है। तो 2 बज गए, दोबारा चेक करते हैं 4 बजे कोई 1-2 पॉइंट ऊपर होते हैं या नहीं। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ सिर्फ मकसद यही कि आप भाइयों को पता चल जाए, अगर जो नया सोलर वाटर गीजर लगवाना चाह रहे हैं धुंध में कैसा काम करता है। तो अभी जो ये पानी गर्म है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह नीम गर्म पानी होता है ना, इस तरह का ही टेम्परेचर है। तो अभी ये सुबह का स्टॉक किया हुआ है, यूज़ नहीं किया। अगर इसमें यूज़ करते तो ये टेम्परेचर वापसी तकरीबन 25-26 पर चला जाना था। देखते हैं 4 बजे तो कोई 1-2 पॉइंट बढ़ते हैं नहीं। अच्छा जी, 4:30 का टाइम हो चुका है शाम का। तो अभी आपके सामने टेम्परेचर है बिल्कुल 30 पर ही खड़ा हुआ है, 30 से आगे 1% भी नहीं गया, और ये टैंक सुबह का ही भरा हुआ है, बिल्कुल पानी को यूज़ भी नहीं किया, ना ही इसमें पानी इन हुआ सुबह से, ना ही इसमें पानी आउट हुआ। यानी कि सारे दिन में बस इतना ही इसने गर्म किया पानी को। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा पानी है, गर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, यानी कि आउट इन पानी होगा तो ये और ठंडा हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि धुंध में तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। जो ये कहते हैं कि बहुत कामयाब है, बिल्कुल नहीं। ये जो 1 महीना जाएगा पूरा, 1 वीक या 2 वीक या 1 महीना धुंध वाला, उसमें इसने पानी गर्म नहीं करना, बस यहाँ तक रहना। जब सर्दी काफ़ी तेज़ होती है लेकिन दिन के वक्त धूप निकलती है तो पानी बेहतरीन गर्म करता है, तकरीबन ये 60 से 65 डिग्री पर पानी को गर्म कर देता है। लेकिन धुंध में ये बिल्कुल फेल है, धुंध में बिल्कुल पानी को गर्म नहीं करता। तो आप अगर दोस्तों ने लगाना है, लेना है, परचेज़ करना है, तो इस हिसाब से परचेज़ करना कि ये धुंध में तो आपको कुछ ना कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल बेकार आमद नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन मैं इसका जो हीटर है उसकी वीडियो बनाऊँगा। वो 1 घंटे में या 2 घंटे में, 3 घंटे में,
तकरीबन 1700 बार इसका जो एलिमेंट हीटर है ना वो करंट लेता है, तो इस पानी को गर्म करता है। तो देखते हैं तो उस दौरान में बिजली से कितनी देर में ये टैंक का पानी गर्म होता है और उसमें कितना बिल कंज्यूम होता है या कितना उसमें यूनिट चढ़ते हैं आते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।